सो हे गाइज, व्हाट्स अप, वेलकम बैक टू माई चैनल। कैसे हैं आप लोग? मैं तो बहुत अच्छी हूँ। एंड इनफैक्ट हमारा शॉपिंग स्टार्ट हो गया है फॉर बेबीज़ छठी पूजन। आई डोंट नो आप लोगों को पता है ना नहीं, बट बेबी होने के बाद हम लोगों में छठी होता है, मतलब साठ पूजा होता है, तो वो होने वाला है। डेट मैं आपको बाद में बता दूंगी, वैसे अभी इतना कुछ कन्फर्म नहीं है डेट के लिए। 29 है लगभग कन्फर्म, मतलब लगभग कन्फर्म है वो, बट नॉट कम्प्लीट वाला कन्फर्म। और अभी बेबी और बेबी का डैड अच्छे से मज़े से सोया हुआ है उधर, और मैं आज फर्स्ट टाइम बाबू को छोड़ के जा रही हूँ अभी के भरोसे। वैसे क्योंकि हम और मम्मी दोनों जा रहे हैं, बिकॉज मम्मी को लेना है बाबू के लिए कुछ ज्वेलरी गोल्ड का, और मुझे भी कुछ ये वो लेना है। अगर बाबू को कुछ हम लोगों की तरफ से, मतलब मेरे और अभी की तरफ से ज्वेलरी देना है, तो वो अभी जाके परचेज करेगा, और मम्मी को लेना है, तो इसलिए मैं जा रही हूँ मम्मी के साथ। और साड़ी वगैरह भी लेना है मेरे लिए, और भी बहुत सारा चीज़ लेना है। क्या क्या शॉपिंग करेंगे वो मैं आपको दिखा दूँगी, बट बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ मैं, बिकॉज आज बहुत दिन बाद मैं मार्केट जा रही हूँ। तो चलिए मैं फटाफट से पहले रेडी हो जाती हूँ। कुछ भी मेकअप नहीं करना, बस सिंपल सा एक लिपस्टिक लगाना है, दैट्स इट। और अभी तो मैं उतना मेकअप वगैरह कर भी नहीं सकती, मतलब काजल वगैरह लगा नहीं सकती, छठी के दिन ही लगाना है मुझे अभी। इनफैक्ट सिंदूर वगैरह भी नहीं पहनते, तो इसलिए मेरा फेस आजकल इतना डल डल दिखता है। बट कोई नहीं, चलो अब रेडी होते हैं और फिर आपसे मिलते हैं। तो उधर है बाबू और अभी। बाबू, ऑल द बेस्ट अभी। आर यू एक्साइटेड? आर यू नर्वस? नर्वस नहीं, तो हम सारे सोए रहे, उसको सब खाना पीना समय मुहैया करा दो। देखो यार, एक दिन रखने में इसका कितना हालत खराब है। हम लोग कैसे रखते हैं? हैबिट है प्लस आदत है ना, मजबूरी है, रखना ही है। हैबिट है प्लस आदत है, वही रखना ही है तुम लोग को ना। ओ अच्छा, चलो ऑल द बेस्ट डैडी एंड डॉटर, मजे से सोना। ओके, तो चलिए चलते हैं अब हम लोग भी। मम्मी भी रेडी हो चुकी है, मैं भी रेडी हूँ, एंड आई एम सुपर डुपर एक्साइटेड, सो लेट्स गो। वैसे धूप काफ़ी ज़्यादा है, बट नॉट एन इशू, आई कैन। तो आ चुके हम लोग मार्केट, और मार्केट में काफ़ी ज़्यादा रश है ऑब्वियसली, अभी कांवरिया सब चल रहे हैं तो रश तो होगा ही। एंड इतना दिन बाद मार्केट आके लिटरली मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है यार, इट्स लाइक यू नो घर से बाहर निकलना, क्योंकि आज बहुत दिन बाद मैं ऐसे घूमने के लिए आई हूँ, घर से बाहर निकली हूँ। तो सबसे पहले हम लोग आ गए हैं रंगोली। यहाँ पे साड़ी का कलेक्शन बहुत ही अच्छा, इनफैक्ट ये वन ऑफ द फेमस शॉप है देवघर मार्केट का। तो पहले हम लोगों ने यहाँ पे चूज़ कर लिया, पहले हम लोग साड़ी का ही शॉपिंग कर रहे थे। तो रंगोली से हमारा शॉपिंग हो चुका है, अब हम लोग आए दूसरे शॉप पे, और भी कुछ देखना है, साड़ी वगैरह ही देखते हैं यहाँ पे क्या क्या शॉपिंग करती है मम्मी आज। उसके बाद हम लोग आए हैं ज्वेलरी शॉप पे, बेबी के लिए चैन ले रही है मम्मी, ऑब्वियसली नानी चैन देती है। तो कौन सा चैन हम लोगों ने सेलेक्ट किया वो मैं आपको छठी के टाइम पे ही दिखाऊंगी, बट बहुत ही प्यारा सा चैन हम लोगों ने लिया है बाबू के लिए। तो फाइनली शॉपिंग हो चुका है हमारा, और बहुत ज़्यादा शाम भी हो गया, बाबू वहाँ पर बहुत रो भी रही है। अब हम लोग जल्दी जल्दी से जा रहे हैं, ढेर सारा शॉपिंग हो गया, इनफैक्ट बहुत सारा बाकी भी रह गया। एंड द बेस्ट पार्ट इज़ बेबी के लिए ज्वेलरी भी लिया गया, वो देखती हूँ अगर मैं घर पे जाके आज दिखा सकती तो आज दिखाऊंगी, या फिर दूसरे दिन। मम्मी नाइटी अच्छा नहीं है, लेकिन ठीक है, चलो चलिए अब चलते हैं घर जल्दी जल्दी से, यार बेबी क्राइंग। तो फाइनली आ चुके हैं घर पे, और ढेर सारा शॉपिंग हुआ। मैं आपको अभी मैंने नहीं दिखाया, बट मैं बाद में आपको दिखाऊंगी। एक्चुअली आने के बाद मम्मी ने सारा चीज़ रख दिया गोदरेज के अंदर, तो मैं आप लोगों को बाद में ही दिखाऊंगी। एंड बेबी का बेबी के लिए मम्मी ने लिया है गोल्ड का चैन, वो भी मैं आपको बाद में दिखाऊंगी, जब छठी होगा उस टाइम ये सब सारा चीज़ मम्मी निकालेगी, वही उसी टाइम मैं आपको दिखाऊंगी। एंड बहुत ही प्यारा मेरे लिए साड़ी, एंड बहुत सारा ड्रेसेस मम्मी ने लिया, वो सब मैं आप लोगों को एकदम डिटेल्स में दिखाऊंगी। बट अभी मम्मी आने के बाद फटाफट से सारा चीज़ रख दी गोदरेज में, इसीलिए ये देखो मम्मी को। हेलो मम्मी, आज मम्मी का ढेर सारा खर्चा हुआ ना मम्मी? मम्मी का ढेर सारा खर्चा हुआ, मतलब देखो पूजा को बेबी होता है तो मम्मी को हर एक चीज़ देना पड़ता है, ऑब्वियसली मम्मी इज़ नानी ना। मेरा बेबी हुआ, मम्मी को हर एक चीज़ देना पड़ा, फिर पिकू हुई थी, मम्मी को हर एक चीज़ देना पड़ा, मतलब चैन कंपलसरी है, मम्मी सबको देगी गोल्ड चैन, अपार्ट फ्रॉम दैट लॉकेट देती है, ये कंपलसरी होता है यार नानी और दादी के लिए देना, अच्छा है, वी आर लक्की। हम लोगों को भी मिला था, अभी हम लोगों के बच्चों को भी मिल रहा है, सो वी आर लक्की एंड दे आर ऑल्सो लक्की, जो इतना अच्छा नानी और दादी मिला है
है ना मम्मी? और नानू भी, नानू और दादू, मतलब पीकू के लिए दादू, आशु के लिए नानू, पीकू के लिए दादी, आशु के लिए नानी। और देखो आशु को इतना प्यार से सो रही है। ये वाला मैंने इसलिए लगाया ना बिकॉज एसी ऑन है, और एसी ऑन होने से इसको आई थिंक थोड़ा सा ठंडा लगता है, इसलिए मैंने ऊपर से ये डाल दिया ताकि उसके अंदर ठंडा नहीं जा सके, मस्कीटो नेट के अंदर यू नो हवा नहीं घुस सके, ताकि आशु कैन स्लीप आराम से। इसीलिए हाँ देख जगी है। हाय एवरीवन, सो गुड मॉर्निंग गाइस। आज नेक्स्ट डे है और कल मैंने और कंटिन्यू नहीं किया था बिकॉज ऐसे यार आशु के साथ थोड़ा टाइम स्पेंड कर रहे थे एंड पूजा भी हो चुका है, सुबह का टाइम है। और पता है क्या, सुबह से ही बारिश हो रहा है, नॉट श्योर आपको दिख रहा है ना, नहीं चलो रहने देते हैं। सुबह से ही बारिश हो रहा है, इनफैक्ट बहुत ज़्यादा बारिश हो रहा है, तो आज बहुत डल डल सा फील हो रहा है। मैंने भी नहा लिया है, आज मैंने हेयर वॉश किया है और मुझे हेयर अभी कुछ कराना है यार, देखते हैं बाबू का छठी से पहले अगर करा सकती हूँ तो कराते हैं, बिकॉज़ क्या होता है ना बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है और अभी बाबू को बहुत ज़्यादा टाइम तक छोड़ के मैं जा नहीं सकती हूँ, तो इसीलिए नाउ आई एम मॉमी सो आई हैव टू बी रिस्पॉन्सिबल एंड दिस फीलिंग इज़ कम्प्लीटली डिफरेंट, कम्प्लीटली न्यू एंड बहुत ही अच्छा वाला फीलिंग है यार टू बी ए मॉम। ओ माई गॉड, अगर मैं अपने बेबी को छोड़ के जाती हूँ ना, आई फील लाइक आई एम मिसिंग हर ए लॉट। तो ज़्यादा देर तक जा भी नहीं सकते उसको छोड़ के, उसका प्यारा सा फेस बहुत ज़्यादा मिस करने लगती हूँ मैं उसके पास अगर नहीं रहूँ तो। एंड मैंने जो साड़ी लिया, वेट मैं आपको दिखाती हूँ। तो मम्मी ने मेरे लिए ये साड़ी लेके दिया है, ये सिल्क साड़ी है, पहनने के बाद काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगेगा। आजकल ये बहुत ज़्यादा ट्रेंडी हो रहा है सिल्क सिल्क। इनफैक्ट मेरे पापा भी बेंगलोर में है, पापा भी आने वाले हैं, तो पापा ने भी मम्मी के लिए लिया है और ये वाला मम्मी ने मेरे लिए लिया है रंगोली से। वहाँ का साड़ी काफ़ी ज़्यादा अच्छा होता है यार, बहुत ही सुंदर होता है। तो अभी मुझे ब्लाउज स्टिच करने देने जाना है, तो उसके लिए तो मुझे ही जाना पड़ेगा, बट अभी बारिश हो रहा है तो मैं सोच रही हूँ, देखती हूँ कितने देर बाद जाऊँगी। सी अभी बहुत ज़्यादा बारिश हो रहा है बाहर में, आज तो सनराइज भी नहीं हुआ है तो सी। और इधर है बाबू जो सोई हुई है बहुत प्यार से, बहुत आराम से, बिकॉज आज इसने भी नहाया है। तो फिर चलिए गाइस, इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं और ज़्यादा मैं इसे स्ट्रेच नहीं करती बिकॉज नथिंग टू शो यू गाइस। और अभी थोड़ी देर बाद मैं जाऊँगी फिर से मार्केट, शायद अभी थोड़ा सा ये वाला सेशन लगा रहेगा मार्केट आना जाना, बट मैं ज़्यादा नहीं जाऊँगी ऑब्वियसली, बाबू को छोड़ के मम्मी लोग, भाभी लोग, वो लोग जाएगा सबको, एंड पापा भी आने वाले हैं। बाई फ्राइडे नाइट ही विल रीच, तो सैटरडे मॉर्निंग आप लोग को मैं व्लॉग में पापा से भी मिल पाऊँगी एंड आई एम सो एक्साइटेड। पापा आने वाले हैं ऑब्वियसली, बहुत दिन बाद पापा आने वाले हैं और अभी पापा मस्त बेंगलोर में इंजॉय कर रहे हैं, तो पूजा के घर पे हैं अभी पापा, तो ही इज़ ऑल्सो इंजॉइंग हिज टाइम। सो यस गाइज, इस वीडियो के लिए बस इतना ही रखते हैं, टिल एंड बाय, हर हर महादेव।